नमस्कार तो आज आप स्टॉक के एक अच्छा ब्रेकआउट और सपोर्टिव जोन के करीबन ट्रेडिंग करता हुआ नजर आ रहा है तो देख हैं कि हम लोग चार्ट के ऊपर भी नजर डालेंगे उसके पहले पे हम लोग रिसेंटली देख सकते कि स्टॉक का यहाँ पे मीस चार्ट के ऊपर नजर डालेंगे कि पहले यहाँ पे आप, आप देख सकते कि थोड़ी सी यहाँ पे अपडेट देखेंगे जैसे कि फोर ट्वेंटी फाइव यहाँ पे क्लोजिंग दी थी फ्राइडे के दिन स्टॉक ने 27 सेवन पॉइंट की तेजी देखने को मिली थी और 7 परसेंटेज अप क्लोजिंग देता था नजर आ चुका था जैसे ओपन और फोर हंड्रेड लेवल के करीबन स्टॉक सपोर्ट लिया प्रीवियस क्लोजिंग का और एक अच्छी तेजी यहाँ पे आप, आप देख सकते कि देखने को मिली ऊपर के साइड पर तो देख सकते फोर ट्वेंटी लेवल के करीब जाके यहाँ पे आप देख सकते स्टॉक फिर पूरे दिन भर मार्केट के आप जो टू पॉइंट फोर्टी करोड़ का है पी रे भी देखोगे तो नाइनटीन का है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है, है आप देख की, उसके हम लोग नजर डालेंगे तो ये डेली चार्ट फ्रेम का चार्ट एनालिस आप स्टॉक के लिए क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो हम लोग यहाँ पे मंथली चार्ट एनालिसिस के ऊपर सबसे पहले नजर डालेंगे फिर यहाँ पे हम लोग डेली चार्ट एनालिसिस पे नजर डालेंगे तो रिस देख सकते स्टॉक यहाँ पे देखा जाए मंथली चार्ट एनालिसिस पे नजर तो 400 लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्टिव जो है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते स्टॉक दे, ने पहले भी रेजिस्टेंस लिया था ए लेवल पे तो एक व्ला के लिए पे लेवल लेवल देखी जाए पे पे आप देख सकते दे कि एक बनी थी क्योंकि रजिस्टर लिया गया था ऊपर सेटल भी नहीं सस्टेन नहीं हो पाया था चार लेवल के ऊपर फिर यहाँ पे अभी देख सकते रजिस्टर लिया था स्टॉक ने तो काफी दिनों बाद दो से अभी रिसेंटली दो है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेंस लिया और नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आप देख सकते स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे मंथ टॉप या फिर फेब्रुआरी में ब्रेकआउट मिला फिर इस मंथ में यहाँ पे देखा जाए तो स्टॉक यहाँ पे आप देख सकते कि थोड़ी सी वॉलटिलिटी नजर आई रही एक फिफ्टी टू वीक हाई भी देखने को मिला इस मंथ में और उसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते कि लो बनाया था स्टॉक ने क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते कि ये जो सपोर्ट लिया है चार लेवल का सपोर्ट लेके बाउंस बैक हो चुका है तो चार लेवल जो है एक इंपॉर्टेंट सपोर्टिव एक्ट होने वाले है वंडरवला स्टॉक के लिए और वहीं पे आती है तो सपोर्ट जोन स्ट्रांग है क्योंकि सपोर्टिव जोन क्यों बनाया है चार से चार लेवल क्योंकि पहले यहाँ पे आप देख सकते स्टॉक ने काफी बार रजिस्टेंस लिया है 400 लेवल पे, फिर पांच छः सालों बाद इसको ब्रेकआउट मिलता हुआ नजर आ रहा है तो ऊपर जाने के चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि एक 400 लेवल स्ट्रांग बेस है यहाँ पे आप देख सकते हैं वंडरला स्टॉक के लिए